आपको कुछ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग तो हमेशा रहते हैं ना, आप लोग बताइए यहाँ पे ये खड्डे वगैरह ये कब से है? ऐसी बहुत दिनों से है खड्डे वगैरह। आप इधर देखिए, सामने देखिए, बताइए। बहुत दिनों से है यहाँ पे, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट भी होते होंगे? हाँ, ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज। मैं आज यहाँ पर इस पटेल नगर के बिल्कुल ठीक गोल चक्कर के पास खड़ा हूँ। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो दिल्ली की व्यवस्था है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ठीक मेरे पीछे एक गटर जो है वो काफी समय से वो धस चुका है, और धसने की वजह से यहाँ पर यातायात जो है वो लगातार जो है यहाँ पर चलता रहता है यहाँ पर, और कभी भी यहाँ से कोई भी दुर्घटनाग्रस्त, कभी भी दुर्घटना किसी भी गाड़ी के साथ दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है और किसी की जान माल का नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहाँ पे गटर को पूरा दिखाएं, एक बार ये पूरा गटर दिखा दीजिए। और यहाँ पर बैरियर लगा दिया गया है कि यहाँ से लोगों को ये पता लग जाए कि यहाँ पर आगे कोई दिक्कत है, लेकिन इसको ठीक नहीं करना है। आखिर में ठीक क्यों नहीं करते ये लोग, जब उनको पता है कि प्रशासन को कि यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, चारों तरफ से यहाँ पर यातायात से रास्ता है, और ये कि मैंने एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं मेट्रो से नीचे चलती है, नीचे चलने के साथ साथ में यहाँ पर जो है रास्ता ये आपका आपका रचना की तरफ से होते हुए, और ये मेट्रो निकलती है करोलबाग की तरफ में, और ये पूसा रोड और शंकर रोड की तरफ निकलने वाला रास्ता है, और ये इतना व्यस्त रास्ता है जहाँ पे लाखों की संख्या के अंदर में रोज जो है यहाँ से गाड़ी निकलती है, लेकिन फिर भी प्रशासन को ये समझ में नहीं आता कि आखिर में ये बीच में गड्ढा क्यों है। अगर ये बीच में गड्ढा इसी तरीके से रहेगा और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बैरियर लगी पड़ी है और गाड़ी उधर उस साइड से आती है और गाड़ी इस साइड से आती है, और दोनों गाड़ियों के अंदर में अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर कभी टक्कर हो जाए या कोई बात हो जाए तो फिर कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आखिर में ये जिस भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये वो प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाता क्यों नहीं है? आखिर में जब तक मीडिया दिखाती नहीं है तब तक क्या आंखें नहीं खुलती हैं? अगर आंखें आप लोगों की खुल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यातायात जो है वो इतनी तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने खड्डे होने की वजह से, और मैं आप लोगों को एक और खड्डा जो है वो यहाँ पर हुआ पड़ा था और वो आज भी वहां पर खड्डा है और गाड़ी वहां पे फंसती है, लेकिन फिर भी प्रशासन की आंखें जो है वो खुलती नहीं है। प्रशासन से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा, जो दिल्ली की यातायात की जो जिंदगी है, ये जो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे चल रहा है पूरा, और आप लोग इन सब चीजों के ऊपर में गौर कीजिए और दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित कीजिए। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, पूरे देश भर के अंदर में 1% भी गाड़ी हमारे हिंदुस्तान हमारे भारत में नहीं चलती, और 11% से ज्यादा हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में 11% से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, और वो सिर्फ इसी कारण होते हैं कि यातायात का जो साधन जो रोड है उस रोड को इतना डैमेज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कार्रवाई करने को राजी नहीं है लोग। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे चल करके, और आप आइए इधर, मैं यातायात देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन जो है वो आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही है, लगातार चारों तरफ से जो है वो यहाँ पे यातायात है। मैं आगे रोड क्रॉस करके दिखाता हूँ, बीच में गड्ढा दिखा दीजिए, ये बीच में गड्ढा दिखा दीजिए, रोड के गड्ढा है किस तरीके से, अगर बाइक भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये डिवाइडर जो है ये पूरा टूटा पड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की जो है आंखें और जो है इनकी नहीं खुल रही है। आखिर में क्यों नहीं खुल रही है, क्यों ऐसा ये लोग करना चाहते हैं कि कब कभी कोई हादसा हो तब इनकी आंखें खुलेगी? आप लोग और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग तो हमेशा रहते हैं ना, आप लोग बताइए यहाँ पे ये खड्डे वगैरह ये कब से है? ऐसी बहुत दिनों से है खड्डे वगैरह। आप इधर देखिए, सामने देखिए, बताइए। बहुत दिनों से है यहाँ पे, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट भी होते होंगे? हाँ, ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं जगह पर जो है मलबा भी कट्टा है, यहाँ पे रेड लाइट की है पूरी वो है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये मिट्टी किस तरीके से जमी पड़ी है। लेकिन दिल्ली को मॉडल कहे जाने वाला जो दिल्ली जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को खड्डा नुमा और सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भाग रहा है। आखिर में ये कब तक प्रशासन जो है यहाँ से भागेगा? मैं VS न्यूज के लिए
पटेल नगर, इस पटेल नगर गोल चक्कर से आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, वीएस न्यूज, अपने कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ। धन्यवाद।